तो आइए जरा हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर वन का यूनिट वन है जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मैं इस क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट के लिए बना के रखी हुई है और वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप उसे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। उसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। और चाहिए होंगे तो एक आधी वीडियो और बना देंगे न्यूमेरिकल के लिए, पर इस क्लास को खाली थियोरेटिकल रहने दो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल इनकम? भाई अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 3 साढ़े 3 मिनट हो गए, बात हो गई। नेशनल इनकम किसे कहते हैं बेटा? नेशनल इनकम मतलब देश की इनकम, देशवासियों की इनकम। मैं ऐसे एक बात बोलूं, मैं कई बार अपने बैच में भी एक बात बोलता हूं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है। कई बच्चों ने पूरा पूरा कोर्स पढ़ लिया लेकिन उन्हें उनके टीचरों ने यही नहीं बताया कि डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर क्या है, तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। देखो बेटा, डोमेस्टिक का मतलब होता है, जैसे ये मान लो भारत है, मेरी ड्रॉइंग पे मत जाना, मेरे भाव पे जाना। मान लेते हैं ये भारत है हमारा, ऑलराइट। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो कमाई हुई, चाहे वो किसी ने भी करी, जो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई कमाई, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो इंडिया के अंदर हुई कमाई, जो इंडिया के अंदर हुई कमाई, मतलब समझे आप मैंने क्या कहा। इसमें एक बात अपने आप समझो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर हुई, तो इंडिया के अंदर चाहे कमाई इंडियंस ने करी हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने करी हो, मतलब चाहे कमाई रेजिडेंट्स ने की हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने की हो, मतलब चाहे रेजिडेंट ने की हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने की हो, दोनों कमाई काउंट होगी क्योंकि वो जमीन तो इंडिया की थी, इस्तेमाल जो हुई उसे कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। पर जब नेशनल इनकम की बात करते हैं बेटा, नेशनल इनकम में हम नापते हैं तो नेशनल इनकम में ये नापा जाता है कि इंडिया में जितनी कमाई हुई उसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो इंडिया से कमाकर लोग बाहर ले गए, जो इंडिया से बाहर ले गए उसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहते हैं, यानी जो इंडिया से कमाई होकर बाहर को चला गया वो माइनस हो जाना चाहिए। पर इसी प्रकार जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया, जो हमारे पास आया, यानी जो भारतीय रेजिडेंट ने विदेशों में कमाया, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसे आप ऐड कर देते हो, यानी आप ऐड कर देते हो डोमेस्टिक के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेश से आने वाला पैसा, और माइनस कर देते हो विदेश को जाने वाला पैसा। तो अब जो इनकम आ जाती है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल इनकम किसकी है, तो आप ये बोलोगे नेशनल इनकम भारत की नहीं है, भारतीयों की है। एक बात बताओ, इंडिया में जितना पैसा भारतीयों ने कमाया वो भी ऐड हो गया, इंडिया में जितना पैसा विदेशियों ने कमाया और वो ले गए वो माइनस हो गया। इसका मतलब भारत के अंदर की सारी इनकम नहीं आई। मैं दोबारा बोलता हूं, भारत के अंदर की सारी इनकम नहीं आई, भारत के अंदर की वो वाली इनकम आई जो भारतीयों की कमाई है, रेजिडेंट्स की कमाई है, प्लस जो रेजिडेंट ने फॉरन में कमाया वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि जो फॉरन से कमा के लाएंगे वो भी इंडिया में ऐड हो जाएगा। तो नेशनल इनकम, मैं कई बार कहता हूं, ये रेजिडेंटशिप के ऊपर बेस्ड है और डोमेस्टिक इनकम भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी पे बेस्ड है। भारत के अंदर कमाई हुई किसी ने भी करी वो डोमेस्टिक इनकम, भारतीयों ने कमाई करी चाहे इंडिया में करी चाहे विदेश में करी वो ऐड करके नेशनल इनकम। बट अब ये डिटेल में आगे समझ आ जाएगा। तो देखो बेटा, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब उनकी मनी वैल्यू जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है। सर अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है फिर तो खाली डोमेस्टिक इनकम होनी चाहिए थी, पर आगे तो पढ़ मेरे बच्चे, प्लस NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से आने वाला पैसा माइनस विदेश को जाने वाला पैसा, तो ये नेशनल इनकम आ जाती है। बहुत बढ़िया, यूजफुलनेस क्या है बेटा? इसे कैलकुलेट क्यों किया जाता है? अगर ये पूछा जाए कि क्यों निकालते हैं भैया, तो हम बता देंगे इससे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पता लगती है, एक साल में देश कैसा चल रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर की डिमांड के बारे में पता लगता है, प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्शन प्लान कर सकते हैं कि उन्हें कितना सामान बनाना है। एक बात बताओ, अगर एक देश की GDP बढ़ रही है तो आप उस देश में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि देश की इनकम बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो हम उस देश में ज्यादा सामान बेच पाएंगे। पर एक बात बताओ, अगर एक देश की इनकम कम हो रही है, फॉल हो रही है, तो उस देश में आप कम प्रोडक्शन करोगे। इकोनॉमिक वेलफेयर को नापने के काम आता है, लोगों का वेलफेयर स्टेटस कैसा है, लोग अच्छा जी रहे हैं बेकार जी रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, वो तभी पता लगेगी जब नेशनल इनकम पता होगी। यानी एग्जाम्पल पर कैपिटा इनकम, बेटे पर कैपिटा इनकम तो तभी पता लगेगी ना एक इंसान की इनकम कितनी है जब आपको देश की इनकम पता होगी। फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन, ऑब्वियस सी बात है हम अपने देश की इनकम कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम अपने देश को किसी और देश से
कंपेयर कर पाएंगे। बेटा देखो, हमें अपनी इकोनॉमी को दूसरों के साथ कंपेयर करना होता है, बट वो तभी संभव है जब हमें अपने देश की इनकम पता हो, वो भी करेक्टली। फिर है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेने हो, नेशनल पॉलिसीज बनानी हो, कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, ये डिसीजन लेना हो, तो तभी पता लग सकता है जब नेशनल इनकम और उसके कॉम्पोनेंट्स पता हो कि वो नेशनल इनकम कहाँ कहाँ से आई है। फिर आता है यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन रिवीजन में बेटा मेरे को इसी पेस पे चलना पड़ेगा। यूएन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे एक बात समझना, यूनाइटेड नेशंस जो है वो ये कहता है कि पहले ना क्या होता था, पहले की बात बताऊँ, सभी देश अपने अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाते थे। मानो इंडिया अपने हिसाब से अकाउंट बनाता था, तो इंडिया में कोई चीज़ हाई प्राइस पे दिखा दी जाती थी, ज़्यादा दिखा दी जाती थी, पर यूनाइटेड नेशन कहता था कि ये कम दिखाओ या इसे मत गिनो, इसे गिनो नेशनल इनकम में। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने अपना एक पूरी दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक मेथड बनाया, बोला कि सभी लोग इस मेथड से अपनी इनकम कंप्यूट करके हमें बताया करो, अपने लिए आप जैसे मर्जी करो, पर जब हमें बतानी है, यूनाइटेड नेशंस को बतानी है, मतलब जो सारे देशों का इकट्ठा झुंड है उसको बतानी है, ताकि वो कंपैरिजन कर सके, आपके यहाँ पे रिलीफ कितनी देनी है, आपके यहाँ पे मदद कितनी भेजनी है, आपके यहाँ के लोगों की गरीबी को नापने के लिए या अमीरी को नापने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपना मेथड बनाया है, और उस मेथड से कहते हैं कि नेशनल इनकम कंप्यूट करो। तो वो कौन सा मेथड है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स का। यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं हो रही, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है बेटा। नेशनल अकाउंट्स का अपना एक सिस्टम बनाया, ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, कंसेप्चुअल सिस्टम है, फ्रेमवर्क देता है, ताकि सभी लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एनालाइज कर सकें और परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी को जज कर सकें। यानी उन्होंने एक कॉमन सिस्टम बना दिया, जिस सिस्टम से वो कहते हैं कि सभी को अपने अकाउंट्स कैलकुलेट करने चाहिए, बनाने चाहिए। ठीक है, फिर बेटे अब आपकी नेशनल इनकम अकाउंट्स की तीन साइड्स कौन कौन सी हैं। तो तीन साइड हम सबको पता है कि पहले प्रोडक्शन होती है, फिर लोग उसे खरीदते हैं, इन एक्सपेंडिचर होता है, लोगों का पैसा जब कंपनियों के पास आता है वो इनकम के रूप में बांटा जाता है, दैट इज इनकम साइड। तो तीन साइड कौन कौन सी हो गई, प्रोडक्शन करने की साइड, फिर उसे बेचकर लोगों का खर्चा कराने की साइड, फिर वो उस खर्चे को जो पैसा आपके पास आएगा उसे बांट दिया सब में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट दिया, तो इनकम साइड। अगला आ जाता है जीडीपी एमपी। मैं ना इसके बारे में जरा कुछ चर्चा करनी चाहूंगा। पहले इधर देखना, मैं पहले आपको तीन अपने गोल्डन फॉर्मूलाज रिवाइज करा देता हूँ, जो हमने बहुत बहुत बार क्लास में पढ़े हुए हैं। गोल्डन फॉर्मूलाज याद है बेटा, गोल्डन फॉर्मूला क्या होते थे। मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा और ये आप मेरे साथ साथ लिखिएगा प्लीज। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ ग्रॉस में होती है, कोई भी चीज़ ग्रॉस में, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, और जैसे ही आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, आपके पास वही चीज़ नेट में आ जाती है। ऑल राइट, अगर कोई भी चीज आपके पास, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं, फैक्ट आपके पास मार्केट प्राइस पे है, मार्केट प्राइस पे है, जिसे एमपी बोलते हैं, तो अगर आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वही चीज फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी। सर ये होता क्या है बेटे, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में कितने का बिकता है, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। अब आप मुझसे पूछोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी है, उसे ले लो और उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दो। बेटे इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है और सब्सिडी गवर्नमेंट हमें देती है, तो सब्सिडी माइनस कर दो। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर दोगे, आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। आपके पास कौन आ जाएगा, एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। बोलिए मेरी बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, और वो माइनस कर देंगे यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, अब आ जाता है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। अब आप तीसरे स्टेप पे आइए। तीसरा गोल्डन रूल है हमारा कि अगर कोई भी चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आया बेटे, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी चीज ग्रॉस है तो ग्रॉस से वो नेट बन सकती है, और कोई भी चीज अगर मैं यूं कहूं कि मार्केट प्राइस पे है तो उससे फैक्टर कॉस्ट पे आ सकती है। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा। अब अगर वहीं पे मैं आपको ये कहूं कि कोई भी चीज डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक, तो उसमें अगर आप NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो वो चीज नेशनल बन जाएगी। यानी क्या तीन फॉर्मूले बताए बेटा मैंने आपको, ग्रॉस से नेट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक से नेशनल बन जाती है। और NFIA क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
बोलिए, इतना समझ आ गया आपको, यानी क्या का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या आपको ये पूरी की पूरी बातचीत समझ आ गई बेटे? क्या आपको ये गोल्डन रूल समझ आ गया? बिल्कुल बढ़िया से, शाबाश। तो अब मैं एक बात और बताता हूँ। देखो जी, जैसे अगर हमने किसी देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल दी, यानी उस देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मार्केट प्राइस पे पता है, तो पहले आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पता लग जाएगा। मैं इसे शॉर्ट में लिख दूं, एनडीपी वगैरह करके, तो आपको एनडीपी पता लग जाएगा। फिर आप उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना, तो आपको एनडीपी एट एफसी पता लग जाएगा, एनडीपी एट एफसी। फिर आप उसमें NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना। बेटे क्या ऐड कर देना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जैसे ही आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे, आपके पास NNPFC यानी नेशनल इनकम आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जब आप GDP MP में डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो NDP आ जाएगी, और NDP में एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, NFI ऐड होगा, NNP MP यानी नेशनल इनकम आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई। तो अगर कोई आपसे GDP MP की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बट डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैज नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड। अगर कोई पूछे आपसे कि मुझे नेट, ओहो ये तो पाप हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी की डेफिनेशन दो, तो आप क्या बोलोगे? इट मींस ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। और अगर कोई आपसे एनडीपीएफसी की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लेस डेप्रिसिएशन, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक्चुअली में डोमेस्टिक इनकम इसी को कहते हैं बेटे, हम अपनी डोमेस्टिक इनकम इसी को बोल सकते हैं, और इसे अपनी नेशनल इनकम बोल सकते हैं। बोली बातें समझ आ गई? तो ये सारी की सारी इसी के ऊपर बेस्ड डेफिनेशन है। पांचवी डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात, खाली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते। फाइनल वो होते हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर परचेस कर रहा होता है, इंटरमीडिएट को नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो आप एक गुड्स की परचेज करते हो किसी और गुड को बनाने के लिए या बेचने के लिए। तो जब आप गुड्स खरीदते हो सिर्फ बेचने के लिए उसी साल के अंदर अंदर, या आप गुड्स खरीदते हो कुछ और बनाने के लिए, जैसे मैंने आलू खरीदे समोसा बनाने के लिए, तो आलू इंटरमीडिएट गुड्स होंगे मेरे लिए क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ली जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है जिसके बदले में पैसा लिया दिया जाता है, यानी एनीथिंग विच इज डेल्ट इन द मार्केट, जिसे मार्केट में दाम दिया जाता है। जैसे आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसलिए वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो सकती क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं लगाई जा सकती। फ्लो कॉन्सेप्ट बेटे, दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये भी मैं आपको बता दूं जरा, स्टॉक वो होता है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होता है, जो कहां पे कैसे मेजर होता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होता है। और फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है बेटे? फ्लो कॉन्सेप्ट वो होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट में अंतर समझ आया आपको? स्टॉक कॉन्सेप्ट वो है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होता है, और फ्लो कॉन्सेप्ट वो है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक, द नेट चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ द फाइनल गुड्स अवेटिंग सेल और मटीरियल यूज इन द प्रोडक्शन विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है ना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो भी चेंज इन, वो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है, जिसे आप प्यार से चेंज इन स्टॉक कहते हो, वो भी ऐड होता है। अभी मैं आपको इसके फॉर्मूलाज लिख के बताऊंगा तो ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। फिर वो कहता है नॉमिनल और रियल जीडीपी, ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अभी मैं नीचे डिफ्लेटर के बारे में बात करूंगा, नीचे डिफ्लेटर के बारे में, तो ये समझ आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर रुक जाओ। जीएनपी एमपी क्या होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें एनएफआई ऐड हो जाता है। एनडीपी एमपी ये सब हमने डिस्कस कर लिए, नेट एनएनपी एमपी जिसे नेशनल इनकम बोलते हैं, जीडीपीएफसी ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स बेटे, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं बताओ? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बेटे इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये किसके काम आता है? ये
मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्रिएट करता है। बेटा ये किस किस का डिफरेंस क्रिएट करता है? इट डिफरेंशिएट बिटवीन, इट डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ऑल राइट बहुत ही बढ़िया। फिर एनडीपीएफसी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। मुझे लगता है कि पहले ना मुझे आपको नेशनल इनकम के मेथड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये पहले पढ़ा के आता हूँ मैं आपको कि नेशनल इनकम निकाली कैसे जाती है। इधर आइए जरा मेरे साथ, मैं आपको तीनों के तीनों फॉर्मूलाज पहले लिखवा देना चाहूंगा। देखिए लिखिए आप मेरे साथ साथ ही लिखिएगा जरा प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है प्लीज लिखिए। तीन मेथड है बेटे, एक मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। मैं सारे फॉर्मूले समझा दूंगा, प्रैक्टिकल नहीं करा रहा लेकिन अभी, पर आपको इसकी बेस पे प्रैक्टिकल आपसे खुद होने लग जाएंगे। वैल्यू एडेड मेथड एक मेथड है, दूसरा कौन सा है याद है आपको? इनकम मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने तीन मेथड्स के बारे में बात करनी है, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। ध्यान दीजिएगा, सुनिए वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है। बेटा वैल्यू एडेड मेथड में हम खाली वैल्यू ऑफ द आउटपुट देखते हैं। देखो तीन चीजें पहले आप देखते हो, आप पहले इधर लिखते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से माइनस करते हो वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो सकता है प्राइमरी की अलग दी हुई हो, सेकेंडरी की अलग दी हुई हो, और टर्शरी की अलग दी हुई हो, तो आप तीनों की ऐड करके इधर माइनस कर देते हो। किस किस की माइनस कर देते हो? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों की वैल्यू एडेड आप माइनस कर देते हो। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? जी हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये वैल्यू एड मेथड की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ द आउटपुट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है पहले जरा इस बात को गहराई से सुनना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में तीन चीजें आती हैं, अलग अलग तीन मेथड से निकाला जा सकता है। जैसे एक निकाला जा सकता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से। अगर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक आप निकाल सकते हो, चेंज मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये पहला मेथड है इसे निकालने का। दूसरा मेथड हो सकता है आउटपुट इनटू प्राइस, अगर दे रखा हो टोटल आउटपुट इनटू प्राइस, ये दूसरा मेथड है। या फिर इसे निकालने का तीसरा मेथड है जब वो आपको ना तो सेल देना चेंज इन स्टॉक दे, बट तीनों की वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग अलग दे दे, तो तीनों की वैल्यू ऑफ आउटपुट आप ऐड कर दोगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, मतलब देखो तीन तरीके से वो आपको वैल्यू एडेड के क्वेश्चन दे सकता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे देगा? ये तीनों मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तीन मेथड से निकल सकती है, कैसे कैसे? या तो सेल देगा और चेंज इन स्टॉक के बारे में जानकारी देगा तो उन दोनों को ऐड कर देना, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट देगा उसे इनटू प्राइस कर देना, या फिर आउटपुट की वैल्यू खुद देगा अलग अलग तीनों सेक्टर की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उन तीनों को ऐड कर देना, तो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो बन सामान, जैसे मानो हमने समोसे बनाए, समोसे बनाने के लिए आलू खर्च हुआ तो आलू की कीमत माइनस कर देना। इसे माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा सीधा सीधा जीडीपी एमपी, इसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी भी कहा जाता है। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होती है तो एनडीपी एमपी आ जाता है, इसे नेट वैल्यू एडेड एट एमपी भी कहा जाता है। इसमें से अब आप जब डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हो तो आप इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो। जैसे ही आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे वो एनडीपी एफ सी बन जाएगा, इसे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इसी को कहा जाता है। फिर आप इसमें एन एफ वाई ए ऐड कर देते हो तो एन एन पी एट एफ सी, इसे भी एन एन पी एफ सी ही बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये एक्चुअली में हमारी नेशनल इनकम आ जाती है, ये एक्चुअली में हमारी क्या आ जाती है बेटा? नेशनल इनकम आ जाती है इधर। यानी ये स्टार्ट कहां से करता है? स्टार्ट करता है जीडीपी एमपी से या जीवीए एमपी से। तो
ग्रॉस में से पहले डेप्शन माइनस करी, फिर एनआईटी माइनस करा, फिर एनएफआई ऐड करा, तो नेशनल इनकम पे आ गए हम। ये हमारा नेशनल इनकम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ आ गया। अब आ जाता है इनकम मेथड। बेटा इनकम मेथड में क्या होता है, पहले लिखा जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ध्यान दीजिएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वो थोड़ा सा आपके साथ खेल सकता है, आपको तंग कर सकता है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है टोटल कॉम्पनसेशन, उसमें वेजेस आ जाती हैं, सैलरीज आ जाती हैं, पेमेंट इन कैश आ जाती है, अगर वो कोई कैश पेमेंट लिख दे तो वो आ जाती है, और पेमेंट इन काइंड आ जाती है। बेटा पेमेंट इन काइंड मतलब अगर आपने अपने एम्प्लॉय को किसी तरीके की काइंड में कोई सर्विसेज दी हैं, कोई सेवाएं दी हैं, और प्लस ये ध्यान रखना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या नाम दिया बेटे मैंने, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी अगर आपका मालिक आपके लिए पेंशन वेंशन के पैसे जमा करा रहा हो, ध्यान रखना ये इम्प्लॉयर्स होना चाहिए, इम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इम्प्लॉयर वाला ऐड होता है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी तीन चीजें और आती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है पैसा जो कमाया लेबर के पैसे को छोड़कर। इसमें आरआईपी आता है, रेंट एंड रॉयल्टी आ जाती है अगर रॉयल्टी दी हुई हो तो, फिर साथ में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और साथ में प्रॉफिट ऐड हो जाता है। इसे मैंने प्यार से कई बार याद कराते हुए आरआईपी, जैसे कब्र के ऊपर नहीं लिखा होता रेस्टिंग इन पीस, वो लिखा होता है इसके ऊपर। और फिर चौथा नहीं तीसरा, तीसरे में आता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन सी इनकम आ जाती है बेटे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें क्या ऐड हो जाता है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे हमारे जैसे लोग जो नौकरी भी खुद, मतलब अपने लिए काम भी खुद ही कर रहे हैं, जगह भी उनकी अपनी है, पैसा भी उनका अपना है, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं देना, किसी को मान लो कि सैलरी नहीं देनी, मान लो कि किसी को, जैसे आपके पड़ोस में कोई डॉक्टर अंकल होंगे, अब उनकी उनकी इनकम ऐसी होती है, उनका क्लिनिक अपना है तो किसी को रेंट नहीं देना, पैसा उनका लगा हुआ है तो किसी को ब्याज नहीं देना, डॉक्टर वो खुद है तो किसी को सैलरी नहीं देनी, तो वो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो आंसर आता है वो सीधा एनडीपी एट एफसी आता है, यानी सीधी डोमेस्टिक इनकम ही निकलती है। बड़ा प्यारा मेथड है, सीधे सीधे डोमेस्टिक इनकम निकल जाती है। बस आपने इसमें एन एफ वाई ए ऐड करना है, और जैसे ही आप इसके अंदर एन एफ वाई ए ऐड करोगे आप नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे। आप किस पे पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा, आप किस पे पहुंच जाओगे, नेशनल इनकम पे पहुंच जाओगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा है पूरा। अरे कहाँ चला गया भैया, ठीक है। अब आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कितना आपने खर्चा किया, टोटल आउटले भी होता है इसे। इसमें क्या आता है, इसमें पहले आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट, यानी इसे बोलते हैं कई बार प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोल देते हैं बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी आप ये कहो कि प्राइवेट लोगों ने कितना खर्चा किया। फिर ऐड हो जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार ने कितना खर्चा किया, सरकार भी तो खर्चा करती है ना बेटा देश के अंदर। फिर आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर कई कलेश भी हैं बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब देश के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की इन्वेस्टमेंट्स की गई है। अब इन्वेस्टमेंट जो होती है बेटे वो दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बेटा, फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलो या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, और दूसरी हो सकती है चेंज इन स्टॉक। दूसरी कौन सी हो सकती है, चेंज इन स्टॉक, जिसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसे बोला जाता है कई बार इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसे क्या बोला जाता है बेटा, कई बार इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ऑल राइट अच्छा, जो डोमेस्टिक जो फिक्स्ड है बेटे उसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे रेजिडेंशियल, जैसे रेजिडेंशियल लोगों ने किया अपना इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वालों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी, गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इधर काउंट हो जाती है। मतलब मान लो गवर्नमेंट ने नया डैम बनाया, आपने अपनी बिल्डिंग बनाई, बिजनेस ने अपना नया ऑफिस बना लिया, तो वो सब भी इधर ऐड हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स सब ऐड हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर फिक्स्ड दिया होगा तो चेंज इन स्टॉक को भी लेना है, और दोनों को ऐड करके कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स नहीं दिया, सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, मानो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, तो आप चेंज इन, तो यानी ये दोनों तो ऑलरेडी उसके अंदर आ गए ना। एक कॉमन सेंस की बात बताओ, तब तो ये दोनों की दोनों चीजें ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो गई। जब ये दोनों की दोनों चीजें ऑलरेडी प्री इंक्लूड हो गई तो फिर दोबारा इन्हें नहीं लेंगे। यानी अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हो तो बड़ी चीज है, उस बड़ी चीज के अंदर ये दोनों आते हैं,
तो इन दोनों को अलग से लेने की जरूरत नहीं है अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले लिया। और फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, फिर कौन आ जाता है बेटा, नेट एक्सपोर्ट। अब एक बात ध्यान रखना, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो उसमें नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसमें फिर से जीडीपी एट एमपी आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसमें आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो, और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बार ना क्वेश्चन बड़ा चाल खेलता है, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देता है, तो आप उसे माइनस में लिख दोगे इधर। मतलब अगर वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200 रुपये दे रहा है, तो आप यहाँ पे उसे -200 ट्रीट करोगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और ये हमारी नेशनल इनकम भी होगी। बेटा ये हमारी कौन सी इनकम भी होगी, ये हमारी नेशनल इनकम भी होगी। ऑल राइट। अच्छा एक दो छोटी छोटी बातें और बता दूं, जैसे देखो अगर हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो, तो ये तीनों अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, तो उसके अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब आ गए। इसी तरह प्रॉफिट के भी तीन हिस्से होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट के भी तीन हिस्से होते हैं। प्रॉफिट के अंदर कॉरपोरेशन टैक्स भी आ जाता है, जिसे कॉरपोरेट टैक्स कह देते हैं। इसके अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ जाता है, जिसे रिजर्व भी कहते हैं, सेविंग्स भी कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट कमाया और बांटा नहीं। समझे आप मेरी बात कि नहीं? इसमें डिविडेंड्स भी आ जाते हैं। डिविडेंड मतलब जो आपने कमाया और बांटा है, पैसा जो कमाया और बांट दिया वो डिविडेंड बन गया, जो कमाया और नहीं बांटा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया कंपनियों का, और जो टैक्स दे दिया वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो, तो इन तीनों को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे रखा हो, तो ये तीनों को ऐड करके प्रॉफिट बनेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही है। मैं थोड़ा तेज जरूर हूँ, लेकिन आप इसे एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो यूट्यूब पर जा रही है, ये तो सभी के लिए है बेटा, है ना? तो आइए जरा, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई। गैरवा क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स का समझ आ गया। आपको एनडीपीएफसी कैसे आता है ये मैंने बता दिया, एनएनपीएफसी कैसे आता है बता दिया, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। बेटे आप इसे ऐसे कह सकते हो कि रियल, पहले आप जीडीपी निकालते हो, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब होता है जिसमें से इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। रियल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन करना चाहिए बेटे, तो आपको पर कैपिटा इनकम पता लगेगी। ध्यान रखिएगा, अगर नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है जिसमें कि करेंट ईयर का प्राइस लिया है, तो इसमें पहले इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होता है बेटे। इन्फ्लेशन को क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, और उसके बाद पॉपुलेशन से डिवाइड करना होता है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी है, तो पहले इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो, फिर पॉपुलेशन से डिवाइड करो। अब वो कहता है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। बेटे हमसे पूछ रहा है कि बताओ नेशनल इनकम इंडिया में कौन मेजर करता है। तो इंडिया में बेटा नेशनल इनकम नापने के लिए एक डिपार्टमेंट है, जिसे बोलते हैं नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, जो मेजर करता है वो एक्चुअली में नैड है, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। ये किसके अंडर आता है, ये सीएसओ के अंडर आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आती है। यानी आप ऐसे कहोगे कि सबसे ऊपर कौन है, आप ये कहोगे सबसे ऊपर तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, फिर उनके अंडर आता है सीएसओ, सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनके अंडर आता है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, जो कि एक्चुअल में नेशनल इनकम को कंप्यूट करता है। तो मिनिस्ट्री के अंदर आती है सीएसओ, सीएसओ के अंडर आता है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, जो कि अकाउंट्स को मेजर करता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एम है, ये सी है, ये एन है, मिनिस्ट्री, देन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। ठीक है जी। और अब जो नया बेस ईयर फॉलो होता है वो 2011-12 का होता है। जो बेटे नया बेस ईयर फॉलो होता है वो कौन सा होता है, 2011-12 का बेस ईयर फॉलो होता है। ऑल राइट, मैंने आपको तीनों के तीनों मेथड बता दिए। अब वो कहते हैं रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया बताओ। वो हमसे क्या बोल रहा है, रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, इंडिया के अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रीजनल अकाउंट्स जो है बेटा इंडिया में, दे प्रोवाइड अ डे इंटीग्रेटेड डेटाबेस, दे प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस। ध्यान दीजिएगा, रीजनल अकाउंट्स प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन द इन्यूमरेबल ट्रांजेक्शंस। बेटे मैं आपसे समझाना चाहूंगा, जैसे भारत बहुत बड़ा है, अगर पूरा भारत अपनी इनकम कंप्यूट करता है वो तो सेंट्रल लेवल पे हुई, पर आपको नहीं लगता कि हर स्टेट को भी अपनी अपनी इनकम कंप्यूट करनी चाहिए, हर स्टेट को भी अपनी पर कैपिटा इनकम कंप्यूट होनी चाहिए? तो उसी को रीजनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स बोल देते हैं इंडिया में। यानी हर स्टेट अपनी अपनी अलग अलग इनकम निकालती है,
हर स्टेट अपनी अपनी पर कैपिटा इनकम भी निकालती है, हर स्टेट में अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टरेट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं हर स्टेट में। जैसे यूपी अपना अलग निकालेगी, पंजाब अपना अलग निकालेगी, दिल्ली अपना अलग निकालेगा, हर स्टेट हर यूनियन टेरेटरी अपनी अपनी खुद की स्टैटिस्टिक्स देती है, फिर उनको ऐड करके ही तो नेशनल इनकम बनती होगी बेटे, है ना। अच्छा, इसमें एक परेशानी होती है कि रीजनल मतलब होता है कि ईच स्टेट एंड यूटी एंड यूनियन टेरिटरी अपनी अपनी खुद की निकालेगी, है ना। लेकिन एक दिक्कत है सर, जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन तो दो स्टेट्स क्या 10-10 स्टेट्स में से जाती है, होके गुजरती है, ट्रेन तो इधर से उधर भागती है, उसकी नेशनल इनकम किसमें कंप्यूट होगी? उसकी जो प्रोडक्शन है, जो ट्रेन प्लेन या बिजली का काम, ये जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक होता है, उसकी इनकम को कैसे आप काउंट करोगे? तो उन्हें कहा जाता है सुपरा रीजनल। बेटे सुपरा रीजनल मतलब होता है ऐसे काम जो एक स्टेट के बॉर्डर्स में नहीं होते, जो पूरे देश में होते हैं, तो उनकी इनकम पूरे देश के लेवल पे कंप्यूट करते हैं, फिर बाद में बांट कर अलग अलग स्टेट में डालते हैं। जैसे मैं सिर्फ ये एक अजम्पशन दे रहा हूं, मानो एक ट्रेन मध्य प्रदेश में 100 किलोमीटर दौड़ती है, तो जो उसकी टोटल इनकम पे 100 किलोमीटर की इनकम बनेगी, वो मध्य प्रदेश की इनकम में ऐड होनी चाहिए। मतलब समझ आया बेटा आपको इन्हें क्या कहा? तो वो कहता है कि जैसे रेलवेज है, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे बैंकिंग है, जैसे इंश्योरेंस है, जो पूरे देश में काम करती है, जो कट अक्रॉस द स्टेट बाउंड्री, मतलब स्टेट बाउंड्रीज पे टिकती नहीं है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक चली जाती है, उन्हें सुपरा रीजनल कहा जाता है। उनकी इनकम कंबाइंड तौर पर निकाली जाती है, कंपाइल की जाती है और इकोनॉमी एज अ होल के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए, और फिर बाद में उसे एलोकेट कर दिया जाता है स्टेट्स में, मतलब बांट दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स को, उसे एंड में बांट दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स को। बोलो मेरी बातें समझ आ गई? वेरी गुड। अब वो कहता है बताओ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन की बुराइयां करो, लिमिटेशन क्या है? देखो पहली बात तो ये है कि इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स आते हैं, सिर्फ पैसा पैसा आता है, क्वालिटेटिव मेजर नहीं आते। इसमें कई ऐसी चीजें भी इंक्लूड होती है जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे अल्कोहल, जैसे सिगरेट्स, ये चीजें हार्मफुल हैं, ये देश की को तरक्की को रोकती हैं, बुरा करती हैं, फिर भी इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेशनल इनकम में कई ऐसी चीजें इंक्लूड नहीं होती, डोमेस्टिक इनकम में कई ऐसी चीजें इंक्लूड नहीं होती जो होनी चाहिए थी, जैसे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम खाना अपने घर पे बनाते हैं, या मानो मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाऊं, तो वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो उसे कंप्यूट नहीं किया जा सकता, उसे मेजर नहीं किया जा सकता, उसे मार्केट में लाया नहीं जा सकता। तो ये परेशानी है, इसीलिए इनएडिक्वेट वेल्थ, पहली बात तो ये इनएडिक्वेट वेलफेयर है। क्या एक देश की जीडीपी बढ़ने से ये पता लगा सकते हो कि वो देश वेलफेयर में है ना? हो सकता है इनइक्वालिटीज बढ़ गई हो, मतलब डजेंट शोज इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को डिनोट नहीं करता। किसको नहीं दिखाता? ये इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को दिखाता नहीं है। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? ये किसको नहीं दिखाता बाबू? ये इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ को नहीं दिखाता ये सिस्टम। दूसरी बात, इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा। बेटा इसमें क्वालिटेटिव डेटा को नहीं देखते, खाली क्वांटिटी नापते हैं, क्वालिटी नहीं नापते। देश में इनकम बढ़ रही है, बट कैसे बढ़ रही है वो नहीं नापा जाता। डजेंट काउंट हिडन ट्रांजेक्शन, स्मगलिंग, इलीगल ट्रांजेक्शन, ये सब काउंट नहीं होती है। डजेंट काउंट नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, जो बिका नहीं, जैसे मैंने बोला मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ा दिया, तो उसके सिचुएशन में सेल नहीं हुई, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हुई है, लेकिन फिर भी वो देश में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक बैड्स आर नॉट अकाउंटेड फॉर। बेटे कई बार ऐसा होता है कि देश में इनकम बढ़ाने की वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है, देश में इनकम बढ़ाने की वजह से कोई और हार्मफुल चीजें हो जाती हैं, कोरोना वायरस आ जाता है, समझ रहे हो? तो उन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता, जो वेलफेयर को खराब कर रही है वो इंक्लूड ही नहीं होती। वॉलेंटियर वर्क एक्सक्लूडेड, जो किसी ने फ्री में काम किया हो तो वो इंक्लूड नहीं होता। कई थिंग्स दैट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक वेलफेयर, उनमें से कई ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। बेटर ऑफ्स और प्रिवेंटिंग ऑफ वर्स, ये मैं इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना, ये अकेला 2 मार्क का भी आ सकता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे को कुछ देती नहीं है देश को, लेकिन सिर्फ बुरा होने से बचाती हैं। जैसे एक बात बताओ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस क्या है? कि हमारे देश की रक्षा होती है ताकि कोई हम पे अटैक ना कर सके। पर एक बात बताओ, क्या नेशनल डिफेंस क्या हमें कोई प्रोडक्टिव चीज देती है? ना, वो हमारे को बुरा होने से बचाती है, पर कुछ अच्छा नहीं करती हमारे लिए। जैसे पुलिस है, अब पुलिस कोई अच्छा नहीं करती, पुलिस आपके लिए कोई गाना थोड़ी ना सुनाती है, आपको अम्यूजमेंट थोड़ी ना देती है, नाच गा के थोड़ी ना दिखा रही है, पुलिस कोई आपको कोई आटा थोड़ी ना दे के जा रही है, रोटी थोड़ी ना दे के जा रही है, पुलिस सिर्फ आपकी रक्षा कर रही है कि कोई आपका बुरा ना कर पाए। तो यानी नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में ऐसी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो बुरा ना करने से रोकने के लिए हैं,
पर वो चीजें कोई प्रोडक्टिव फायदा तो नहीं दे रही, कोई गुड्स एंड सर्विसेज पॉजिटिव तो नहीं दे रही, वो नेगेटिव होने से रोक रही है पर पॉजिटिव कुछ नहीं दे रही, फिर भी वो इंक्लूड होती है। यानी डोमेस्टिक इनकम में कई ऐसी चीजें इंक्लूड होती हैं जो देश की बेहतरी नहीं कर रही पर बुराई होने से रोक रही हैं, और बट फिर भी इंक्लूड होती हैं। आगे देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि देश की जो हमारी बाउंड्री है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, पर क्या सिर्फ देश की बाउंड्री होती है? नहीं बेटे, इसके आसपास भी बहुत कुछ होता है। जैसे हमारे पास एक्सक्लूसिव एरिया होता है अपने आसपास, पानी, कुछ पानी पे हमारा कब्जा होता है, उस पानी पे जो फिशेस पकड़ते हैं, जो ऑयल निकालते हैं जमीन के इस पानी के अंदर से, वो हमारा है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। इनफैक्ट जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे शिप्स हैं जो इंडियन शिप्स हैं, और या हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है जी, अब मानो आपके इंडिया के प्लेन्स हैं और इंडिया के प्लेन कहीं बाहर उड़ रहे हैं, इंडिया के शिप्स बाहर जा रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट होंगे अगर वो इंडियंस द्वारा ओन्ड है, मतलब जो प्लेन है वो इंडियन है और जो शिप्स है वो इंडियन है, अगर तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। ऐसे ही अगर इंडिया की कहीं एम्बेसी है, मान लो इंडिया की कोई एम्बेसी बनी हुई है, तो वो जिस इलाके में एम्बेसी बनी हुई है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। तो सुनिए, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हमारे इलाके जिस पे हमारा कब्जा है, प्लस शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो हमारी ओनरशिप में है, फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल्स जो हमारी एक्सक्लूसिव राइट वाली जगह पे है, ठीक है ना, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो फैले, प्लस एम्बेसीज, काउंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ दी कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, अगर हमने कहीं मिलिट्री का कब्जा कर रखा, कहीं हमने बैठा रखी है अपनी मिलिट्री, कहीं हमारी एम्बेसी है, वो भी हमारे देश में काउंट होती है। पर क्या क्या हमारे देश में काउंट नहीं होता? अगर किसी और देश की एम्बेसी हमारे देश में बनी है, यानी अदर कंट्रीज एम्बेसी, तो वो हमारे देश में काउंट नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो किसी और देश की एम्बेसी है। ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी देश में काउंट नहीं होती, उनकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अगला आ जाता है कि डिफरेंस बताओ, ये मैं बहुत तेजी से बताऊंगा क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। देखिए बेटा, एक होता है फैक्टर इनकम। बेटा फैक्टर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कमाई गई है, आप ऐसे कह सकते हैं, ये अन अर्नड होती है, ये अन अर्नड होती है ट्रांसफर इनकम। जैसे स्कॉलरशिप मिलना, स्कॉलरशिप आप कमाते नहीं हो, आपको गिफ्ट में मिलती है, तो ऐसी इनकम जो आपने कमाई है वो नेशनल इनकम में ऐड होती है, पर ये वाली इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये किसी ने कमाई नहीं है। मैंने क्या कहा? क्योंकि ये इनकम किसी ने कमाई नहीं है। बोलिए, मेरी दोनों बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? बहुत 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 बढ़िया। फिर आ जाता है बेटे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो गुड्स कस्टमर्स खरीद लेता है फाइनली, जो फाइनली कंज्यूमर खरीदता है अपनी कंजम्पशन के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो और गुड्स की प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, जो और गुड्स की प्रोडक्शन और सेल के लिए काम आते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स देश के अंदर इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में एडेड होती है। जैसे मानो मैंने आलू खरीदा और मैंने आलू से समोसा बना दिया, तो अगर आप देश में समोसे की इनकम इंक्लूड कर रहे होगे तो आलू को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि आलू ऑलरेडी समोसे में प्री इंक्लूडेड होगा। फिर आते हैं कंजम्पशन गुड्स, जो आप खरीदते हो अपनी कंजम्पशन के लिए। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो आप खरीदते हो कुछ और बनाने के लिए, जैसे मशीन। बेटे इसमें ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, ये मशीन है जो किसी और गुड्स की प्रोडक्शन में मदद करती है। जैसे सोचो, मैं समोसे बनाता हूँ, अब जो समोसे बनाने के लिए मैंने जो कढ़ाई ले रखी है वो मेरी कैपिटल गुड है, पर जो आलू लिए मैं वो इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि आलू खर्च हो जाते हैं इसलिए वो इंटरमीडिएट है, पर कढ़ाई खर्च नहीं होती इसलिए वो कैपिटल गुड है। मानो मैं समोसा बनाता हूँ, तो जो मैं गैस का सिलेंडर खरीदता हूँ, मतलब जो उसके अंदर गैस भरवाता हूँ मैं, उसके अंदर जो गैस है वो इंटरमीडिएट गुड है, पर जो गैस का सिलेंडर है वो खर्च नहीं होता, वो कैपिटल गुड है। ऑल राइट, अब आती है डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये देश के अंदर अंदर की इनकम है, चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो। नेशनल इनकम का मतलब है ये भारतीयों की इनकम है, रेजिडेंट्स की इनकम है, चाहे उन्होंने इंडिया में कमाई हो चाहे विदेश में कमाई हो, कहीं भी कमाई हो। इसमें एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता, इसमें एनएफआईए इंक्लूड होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे जैसे मशीन को यूज करते हैं धीरे धीरे उसकी एसेट वैल्यू फॉल होने लगती है समय के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। जैसे आप कोई भी मशीन खरीदते हो, उसकी धीमे धीमे करके वैल्यू फॉल हो जाती है। पर कैपिटल लॉस क्या होता है बेटे? कैपिटल लॉस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड लॉस, जिसे हमने अज्यूम नहीं किया होता। डेप्रिसिएशन तब भी हो जाता है चाहे एसेट यूज ना भी हुआ हो, टाइम वैल्यू की वजह से भी, ऑब्सोलीसेंस की वजह से भी। आपने एक नया गाड़ी खरीदी और खड़ी कर दी,
आपने कभी भी नहीं चलाई, फिर भी वो डेप्रिशिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑब्सोलीसेंस, बिकॉज टाइम पैसेज की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से भी, चलने की वजह से भी, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस की वजह से भी। पर अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस हो जाए, आपकी गाड़ी पे पेड़ गिर गया, आपकी आपकी गाड़ी जल गई, तो वो कैपिटल लॉस है जो अचानक से होने वाला है, जो हमने सोचा नहीं था। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम में अभी एक चार्ट बनाऊंगा, उससे समझ आएगा। अच्छा, ये ना प्राइवेट इनकम नहीं है, ये नेशनल इनकम है, या मिसप्रिंट हो गया सेकंड बारे में, ये नेशनल इनकम होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो सर जी आप हमें वो चार्ट पढ़ा दो जिसमें पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम वगैरह के बारे में बात होगी। बिल्कुल ठीक, आइए एक चार्ट और पढ़ा देते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये इनकम का चार्ट बनाया था ना, ऐसे ही एक चार्ट और बना रहा चाहता हूँ, ध्यान देना मेरे साथ साथ। ठीक है, आप बना लेना। पहले आप लिखते हो डोमेस्टिक इनकम। बेटे डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, याद है आपको? ये इनकम होती है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटे NDPFC के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से दो हिस्से होते हैं सर जी? एक वो हिस्सा होता है जो शेयर ऑफ डोमेस्टिक इनकम, एक होता है शेयर ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू प्राइवेट सेक्टर, जो हम लोगों को मिलता है, प्राइवेट लोगों को मिलता है। हम इसी तक पहुंचना चाहते हैं, एक्चुअली में हम इसी पे पहुंचना चाहते हैं। लेकिन एक होता है शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट सेक्टर, शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट सेक्टर। बेटे यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के पास कितना पैसा है, तो कितनी कमाई है डोमेस्टिक इनकम की। इसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी दो, एक तो सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, यानी गवर्नमेंट की नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की इनकम कितनी है, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। बोलिए मेरी बात आपको समझ आ गई है ना, क्या कहा? सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर है? सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल के साथ साथ क्या क्या आ जाता है? आ जाते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करने से अपने प्रॉपर्टी से क्या कमाया है, टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने क्या क्या कमाया है। तो इसमें कौन कौन ऐड हो गया, नॉन डिपार्टमेंटल की इनकम भी ऐड हो गई और डिपार्टमेंटल की इनकम भी ऐड हो गई। किस किस की इनकम ऐड हो गई बाबू? डिपार्टमेंटल की भी और नॉन डिपार्टमेंटल की, इन दोनों। मान लो कि इसकी इनकम क्वेश्चन में गिवन है 400, इसकी इनकम गिवन है 200, तो आप 400 प्लस 200 करोगे तो ये वाली इनकम 600 हो जाएगी। अब आप एक काम करो, 600 को एनडीपी में से माइनस कर लो, मानो एनडीपी है 5,000। अब 5,000 में से जब 600 माइनस हो जाएंगे तो ये 4,400 आ जाएगा, यानी ये कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ? शेयर ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू प्राइवेट सेक्टर कैसे निकालोगे आप? डोमेस्टिक इनकम में से इन दोनों को माइनस कर दोगे, अब जो आएगा उसमें आप NFYA ऐड करते हो, यानी फॉरेन से आने वाली इनकम ऐड कर देते हो, मानो वो 500 है, आप उसमें अनअर्न्ड इनकम भी ऐड कर देते हो। बेटा अभी तक तो ये अर्न्ड इनकम्स थी, ये दोनों की दोनों फैक्टर इनकम थी। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कमाई हुई इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं है ये। पर इसमें अब ट्रांसफर इनकम भी ऐड हो जाती है, जैसे ट्रांसफर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफर इनकम जो इन्हें दी जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इन्हें पे करी है, मानो 200, और ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो विदेशों से आया है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब्रॉड से आया है जो पैसा, वो भी ऐड हो जाता है, मान लो वो भी 500 है। और मान लो कि आपके पास नेशनल डेट इंटरेस्ट भी है तो वो भी ऐड हो जाएगा, नेशनल डेट इंटरेस्ट भी। अब मान लो कि नेशनल डेट इंटरेस्ट है 700 रुपये का, तो ये सब कुछ ऐड हो जाएगा, और इस सब को ऐड करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट इनकम। बेटे प्राइवेट इनकम मतलब हमारे देश में प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट कंपनियों की कितनी इनकम आई है, तो उसमें आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड कर दोगे। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई? ये हो गया 54, 56, 56 इसे 400 ही कर लेते हैं, तो ये 6,000 रुपये आ जाएगी हमारी प्राइवेट इनकम। अब आपसे कोई अगर पूछे कि प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे? डोमेस्टिक इनकम में से पहले सरकार का पैसा माइनस कर दो, प्राइवेट लोगों की इनकम आ जाएगी। अब प्राइवेट लोगों की इनकम में आप क्या ऐड करोगे? प्राइवेट लोगों की इनकम में फॉरेन की इनकम ऐड करो, ट्रांसफर इनकम ऐड करो फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये तीनों की तीनों ट्रांसफर इनकम्स होती हैं। ट्रांसफर इनकम मतलब अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई नहीं गई है बट फिर भी मिली है।
तो ये ट्रांसफर इनकम ऐड हो जाती है, इसे बोलते हैं प्राइवेट इनकम। अब जो प्राइवेट इनकम है, जो हम लोगों की इनकम है, कंपनियों की इनकम है, कंपनी अपनी इनकम के तीन हिस्से करती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। प्राइवेट इनकम जो आ जाती है, प्राइवेट इनकम में से आप क्या माइनस करोगे बेटा, प्राइवेट इनकम में से आप एक काम करो, माइनस कर दो कॉरपोरेट टैक्स, जो कॉरपोरेट लोगों का टैक्स होगा, कॉरपोरेशन का जो टैक्स होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसमें से माइनस कर दो कॉरपोरेट टैक्स, इसे कॉरपोरेशन टैक्स भी बोल देते हैं, ठीक है, आप इसे माइनस कर दो, और इसमें से माइनस कर दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहने का मतलब जो बांटा नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेट, कॉरपोरेट लिख दो या प्राइवेट सेक्टर लिख दो, ऐसा कुछ भी बोल दो, इसके और भी नाम हो सकते हैं, इसे सेविंग्स भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को सेविंग्स भी कहा जाता है, सेविंग्स ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर ऐसे भी बोल सकते हो, कई और नामों से पुकारा जा सकता है। अब जो बचेगा आपके पास वो हो जाएगी पर्सनल इनकम, मतलब जो पैसा लोगों को मिला है, मानो ये भी 1,000 था, मानो ये भी 1,000 था, तो 2,000 चले गए, अब बचा 4,000, 4,000 हो गया पर्सनल इनकम, जो हमारे घरों में आया होगा पैसा। अब जो घरों में पैसा आया होता है, ये बात समझ आ गई बेटा पर्सनल इनकम किसे कहते हैं, उसमें से आप पर्सनल इनकम टैक्स माइनस कर देते हो, पर्सनल टैक्स दिया होगा माइनस कर दो, मानो 800 रुपये पर्सनल टैक्स है, और कभी कभी मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल देता है, मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स बाय गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट हमसे ले लेती है, कभी कभी ऐसा होता है आपका कोई चालान कट जाता है, फीस लग जाती है, मानो 200 रुपये वो लग गए, तो अब जो बचेगा वो आप खर्च सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बेटे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब इतने पैसे को वो व्यक्ति खर्च सकता है, तो इतने पैसे को खर्च सकता है, इसलिए ये 3,000 आ जाएगा, इतने पैसे को आप खर्च सकते हो, ये 3,000 आ जाएगा। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, इतने पैसे को आप खर्च सकते हो। अब ये जो खर्चा है इसके भी आगे दो हिस्से हैं, इसमें से आप क्या करते हो, या तो आप सेविंग्स करते हो या पर्सनल एक्सपेंडिचर करते हो। सेविंग्स जो पर्सनल नेचर की है, जो अपने घरों में पर्सनल सेविंग या बैंकों में करते हो वो, और यहाँ पे आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टेबल आपने बना लिया है मेरे साथ साथ और आपको समझ भी आ गया है। यानी डोमेस्टिक इनकम में पहले गवर्नमेंट की इनकम को माइनस कर देते हैं, गवर्नमेंट की इनकम माइनस करने के बाद प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाती है, जो डोमेस्टिक इनकम में से पैसा प्राइवेट लोगों ने कमाया, फिर उसमें आप फॉरेन की इनकम ऐड कर देते हो, ट्रांसफर इनकम तीनों तरह की ऐड कर देते हो, उससे प्राइवेट इनकम आ जाती है, प्राइवेट इनकम जो निकल कर आती है उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का, और अपने पास जो उन्होंने सेविंग करके रखी है वो माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से आप अपना पर्सनल टैक्स माइनस कर देते हो, गवर्नमेंट की अगर कोई मिसलेनियस रिसीट है वो माइनस कर देते हो, आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। उस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, देखो ये वो पैसा जो आपके पास खर्चने योग्य है, या तो आप इसे सेव कर लोगे या इसे आप खर्च दोगे, दो ही काम हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सब समझ आ गया और इसकी मदद से आपको ये भी समझ आ जाएगा, पर्सनल इनकम भी प्राइवेट इनकम भी, और पर्सनल इनकम और जो नेशनल इनकम है उसका डिफरेंस भी पता लग जाएगा, पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम का, ठीक है, ये इसी का चार्ट है। प्राइवेट इनकम किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट इनकम में क्या क्या आता है, ये सारा मैंने चार्ट में समझा दिया आपको। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम चार्ट में कवर हो गया, अब आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये अलग चीज़ है बेटे। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में अंतर है, ध्यान रखना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है पूरे देश की डिस्पोजेबल इनकम, ये कैसे आती है देखो, ये आती है, पहले आप नेशनल इनकम लिखते हो बेटा, नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP@FC, NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आप इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो तो अब ये NNP@MP बन जाएगी। अब आप इसमें नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड करो, ये एक तरह की ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है बेटे, ट्रांसफर नेचर की इनकम है, ये आपने कमाई नहीं है बट विदेशों से मिल रहा है, तो आपके पास देश के अंदर खर्च करने योग्य पैसा पता लग जाएगा, इतना पैसा हमारा देश खर्च कर सकता है, और इसमें अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो ये नेट से ग्रॉस आ जाएगी। बेटा देखिए, मतलब मैं आपको एक बात बोलूं तो याद सिर्फ ये चीज करनी है कि ये ऐड होता है, क्या ऐड होता है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपको बेटे नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन के बारे में तो पहले से ही पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप ऐड करोगे तो वापस से आप मार्केट प्राइस पे आ रहे हो, और आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो वापस ग्रॉस पे आ जाओगे, तो ऐड करने की असली बात तो सिर्फ ये इस एक पॉइंट की है कि ये ऐड होगा, क्या ऐड होगा बताओ, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है,
और ये नेशनल इनकम है बेटे, नेशनल इनकम में एनएफआईए ऑलरेडी एडेड होता है, नेशनल इनकम में एनएफआईए ऑलरेडी एडेड होता है। जो बाहर से आपने कमा के लाए हो वो ऑलरेडी एडेड है, लेकिन जो बाहर से आप मुफ्त का पैसा लाए हो, मुफ्त का जो कमाया नहीं है, जो ट्रांसफर है, वो इधर ऐड होता है। क्योंकि खर्च तो हम वो भी सकते हैं जो हमने कमाया नहीं है, मेरी बातों को समझना, खर्च तो बेटे हम वो पैसा भी सकते हैं जो हमने कमाया नहीं है। इसलिए जब हम डिस्पोजेबल्स की बात करते हैं कि खर्चने योग्य पैसा, उसमें ट्रांसफर इनकम्स भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब आ जाता है ये वही नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस। देखो इसके लिए आपको प्राइस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ध्यान देना। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि जो प्राइस इंडेक्स होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिस जीडीपी में आप करेंट ईयर का प्राइस नहीं लेते, जिसमें आप करेंट ईयर का प्राइस लेते हो। और रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी होता है जिसमें आप बेस ईयर का प्राइस लेते हो। लिख लो ये बात, नॉमिनल जीडीपी मतलब करेंट ईयर प्राइसेस, करेंट ईयर प्राइस इंटू करेंट ईयर प्रोडक्शन। जब करेंट ईयर की प्रोडक्शन को करेंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और रियल जीडीपी में क्या आता है बेटा, रियल जीडीपी में आता है बेस ईयर प्राइस इंटू करेंट ईयर प्रोडक्शन, इंटू करेंट ईयर प्रोडक्शन। यानी यहां करेंट ईयर प्राइस है और यहां बेस ईयर प्राइस है, बस इसी बात का अंतर है। और इन दोनों को डिवाइड करके प्राइस इंडेक्स आ जाती है। इसी को बेटा, इसी की हेल्प से जीडीपी डिफ्लेटर भी आ जाता है, इसी को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल देते हैं प्राइस इंडेक्स को। इसी को क्या बोल देते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब अगर कोई हमें रियल इनकम दे तो हमसे नॉमिनल निकाल सकते हैं, कोई नॉमिनल इनकम दे तो हमसे रियल निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बोलो क्या आपको मेरी यहां तक की बातें समझ आ गई, मैंने क्या कहा? क्या मैं मान के चलूं आपको पहला यूनिट पूरी तरह समझ आ गया अच्छे से? बोलिए यस और नो।